ठीक से नहीं दे पाया। मैंने बोला पूर्णिमा से एक दिन पहले और पूर्णिमा का मुख्य दिन और पूर्णिमा के एक दिन बाद, तीन दिन क्या बात है। बोला पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से एक ऐसी आभा धरती पर उतरती है जो आनंदमय होती है, इससे वनस्पति जगत को एक तगड़ी ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा उस कटे हुए जगह से जड़ तक जाएगी, पेड़ फिर नहीं सूखेगा। मैंने ये पूछा था ये तीन ही दिन क्यों, वह एक दिन पूर्णिमा से पहले वाला दिन, एक दिन पूर्णिमा के बाद वाला, पूर्णिमा का दिन, तीसरा पूर्णिमा के बाद वाला दिन, ये तीन दिन क्यों। उसके पास उत्तर नहीं था, पर अच्छा वैज्ञानिक था वो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तीन प्रदेशों के सेब की बागवानी का ऑब्जर्वर था वो। इसलिए कि कभी कभी रात्रि के इसलिए पल और घड़ी देखते हैं, पूर्णिमा लग गई तो वो लोग उसी को पकड़ लेते हैं कि आज पूर्णिमा लगी, इसलिए उसको कहीं व्रत की पूर्णिमा कहते हैं, कहीं पूर्णिमा कहते हैं, कहीं स्नान की पूर्णिमा कहते हैं, इसलिए तीन दिन वो ये था। फिर मैं उसको समझाया वो तीन, टाइमिंग भी डिस्टर्ब हो गया, इसलिए पूर्णिमा, आप समझ गए होंगे। कुछ लोग एक दिन बाद भी मनाते हैं, कुछ दिन एक दिन पहले भी मनाते हैं, कुछ दिन एक, यही होली का हाल है, यही दिवाली का हाल है, जितने भी पर्व हैं ये है, इसका ये कारण है। अब यहाँ एक सवाल उठा, वातावरण का ही मसला नहीं है, ये मसला होली का भी है, ये मसला दिवाली का भी है, ये मसला जन्माष्टमी का भी है, ये मसला सभी त्योहारों का है। आप ध्यान से सुनना क्या कारण है। हमारे यहां जो जितने भी पर्व है ये हिंदी तिथि पर आश्रित है। कभी कभी पूर्णिमा, मान लीजिए आज पूर्णिमा शाम को 8 बजे लगी, 11 बजे लग गई तो आज पूर्णिमा लग गई ना, तो कल भी पूर्णिमा है, वो पूर्णिमा फिर आगे चलती है जो 24 घंटे का दिन है, तो तीसरे दिन भी थोड़ी देर पूर्णिमा आ जाती है। इसलिए कुछ लोग पूर्णिमा लगने के टाइम को ही पूर्णिमा मानते हैं, कुछ लोग मध्य को ही पूर्णिमा मानते हैं, कुछ आखिरी वाले हिस्से को पूर्णिमा मानते हैं, इसलिए तीन दिन का मसला हुआ। तीन दिन नहीं तो 2 दिन तो पक्का है, 2 दिन तो पक्का है ही है, इसलिए वो 2 दिन मनाई जाती है और पूर्णिमा भी 3 दिन मनाई जाती है। वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूँ, हमारे कुछ पेड़ सूख रहे थे, मैंने एक वैज्ञानिक को, बोटनी और हॉर्टिकल्चर का वैज्ञानिक के शिष्य में, उसको पूछा हमारे पेड़ क्यों सूख रहे हैं सेब। उसने बताया इसका ये कारण है, ये पिछले साल की बात है, फरवरी 6 फरवरी से ही गर्मी शुरू हो गई थी, इस बार गर्मी हुई नहीं है, मौके मौके पर बारिश होती रही है जिस कारण से क्लाइमेट इतना गर्म नहीं हुआ। बोला गुरु जी पूर्णिमा के दिन, उसने मुझे कहा जो टहनी ऊपर से सूख रही है, पहले क्या हो रहा था टहनी ऊपर से सूखती थी, मैं प्रमाणित कर रहा हूँ कि पूर्णिमा क्या है, तो उसने मुझे कहा ओवरहीट के कारण सूख रही है, आप ऐसा करो उस टहनी को ऊपर से टहनी सूख रही थी फिर धीरे धीरे जड़ तक आ जाता था, उसने कहा ऊपर से टहनी को काट दो। कब? 3 दिन। मैंने पूछा कौन से 3 दिन? बोला एक पूर्णिमा का दिन, एक दिन पूर्णिमा से पहले, एक दिन पूर्णिमा के बाद। देखिए धरती पर दिन रात कितने टाइम का,
24 घंटे का रात दिन है, चांद पर 14 दिन का दिन 14 दिन की रात क्यों है? कोई सज्जन बताए दूरी पर 72 मील जो है 4 मिनट में कवर करती है, इसलिए जल्दी घूमकर सूर्य के पास आती है। चंद्रमा की गति बहुत कम है, अपनी धुरी पर कम स्पीड में घूम रहा है, इसलिए 14 दिन में 28 दिन में एक पूरा चक्कर लगाता है, 28 दिन में 28 दिन में। तो 14 दिन वहां रात इसलिए होती है, अंधेरा नहीं आता 14, इसको हमारे यहाँ शुक्र पक्ष और गति कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की गति अपनी धुरी पर कम है, बहुत कम है। पृथ्वी पर इसलिए 24 घंटे 360 रेखाएं हैं, ये एक मैथमेटिकल चीज है, आया क्या इसमें निकाला, कम स्पीड में चल रहा है, ठीक है, पृथ्वी थोड़ी ज्यादा चल रही है, इसलिए 24 घंटे के अंदर ही चक्कर पूरा कर देती है।